ना जाए देर। हाँ, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम बशारत भाई। हाँ भाई मुदस्सिर, बड़ी देर कर लू। देर हो गई। हाँ तो क्या बना? बिरयानी, जाफरानी बिरयानी। अच्छा, मजा आ जाएगा। ये देखो। हाँ 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 ये तैयार है, उतार इसको। उतार उतार। ओ, इसमें क्या बना? ये फोरमा है। अच्छा। हाँ, चिकन फोरमा। क्या बात है। हाँ सही याद चला आंटी जी, सही चला। उसमें जर्दा है भाई, बहुत अच्छा इंतजाम लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। आपके ताया गलत बात कर रहे हैं डैड। बेटा पहली बात तो ये, वो मेरे ताया हैं, तुम्हारे दादा अबू। प्लीज। ओके। दादा को क्या इशू है जुल्फी से? मैं उसे अपनी शादी पे क्यों नहीं इनवाइट कर सकती? बेटा ताए जान को वो बचपन से पसंद नहीं था। वो कहते थे उसकी सोहबत अच्छी नहीं है। उसने कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया। इश्क आशिकी शेरो शायरी उसी में वो पढ़ा रहता था। इसमें से कोई ऐसी बात नहीं जो बुरी हो। क्या ये सब करना गुनाह है? आपने भी तो मॉम से लव मैरिज की थी और मॉम भी पोएट्री करती थी। और अमेरिका में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने हाई स्कूल की स्टडीज के बाद उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो क्या सब बुरे हैं? बेटा हमारी जनरेशन के बुजुर्गों को बहुत सारी ऐसी बातें पसंद नहीं थी। मॉडर्न आइडियाज वो नहीं बर्दाश्त करते थे। और हमारी जनरेशन को अपने बुजुर्गों की बात मानने की आदत है और बचपन से ये डलवाई भी गई है। चाहे आपके बुजुर्ग गलत बात ही क्यों ना कर रहे हो। बेटा वो गलत बात नहीं करते, वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। सॉरी टू से दैट, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके बुजुर्ग सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी बात मानी जाए। इससे उनकी उनकी ईगो को सेटिस्फैक्शन मिलती है। अब आप डेविड को ही देख लें, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन वो दादा के सामने कुछ नहीं बोल पा रहा। बेटा ऐसी बात नहीं है, दाऊद की रजामंदी है इस शादी में। बेटा बस मैं चाहता हूँ कि तुम ताया जान से उलझना बंद कर दो, बल्कि इस घर में जितने भी बड़े हैं उन सबसे उलझना बंद। किसी से नहीं उलझती, लेकिन अगर कोई गलत बात करेगा डैड तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो दूंगी ना। और आप दादा को समझा देंगे सुल्फी मेरी शादी में जरूर आएगा।